अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन हॉट शॉट बनाएंगे, जिसके लिए हमने बोनलेस चिकन ली है आधा किलो, जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। लहसुन की पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, अंडे की जर्दी लेंगे 1, चिली गार्लिक सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून, डार्क सोया सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून, वाइट विनीगर लेंगे 2 टेबलस्पून, नमक लेंगे 1.5 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर लेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर लेंगे 1 टीस्पून, मैदा लेंगे आधा कप, कॉर्न स्टार्च लेंगे आधा कप, ब्रेड क्रम्स लेंगे आधा कप। अब हमने एक बॉल लेना है, इसके अंदर हमने अंडे की जर्दी डाल देनी है 1, लहसुन की पेस्ट डाल देनी है 1 टीस्पून, डार्क सोया सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून, अगर लाइट है तो 2 टेबलस्पून डाल लें। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अंडे की जर्दी को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस डालनी है 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर डालेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, नमक हमने थोड़ा सा इसमें तेज रखना है, व्हाइट विनीगर डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा टेस्ट कर लें। नमक और मिर्च जितनी भी आपकी जरूरत हो आप उतना ही और भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं सारे मसाले। अब हमने चिकन ले लेनी है। चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस करने हैं, इस तरह से छोटे छोटे पीस होने चाहिए, पतले होने चाहिए, बहुत थिक ना हो, मोटे ना हो। इसको हमने चिकन को काट कर अच्छी तरह से धोकर एक छाननी में रखना है ताकि सारा पानी चिकन का निकल जाए। अब हमने इसमें मिक्स किया हुआ मसाला डाल देना है। मसाला डालकर अच्छी तरह से सारे मसालों को हमने चिकन पर लगा देना है। सारे मसाले को हमने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन को हमने एक घंटे से लेकर 2 घंटे तक मैरिनेट करना है। ये आपकी मर्जी है, आप जितनी भी देर चाहें, ज्यादा देर रखेंगे तो उतनी ही चिकन मजेदार बनेगी। अब हमने चिकन को ढांप कर फ्रिज में रख देना है ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए। अब हमने एक प्लेट ले लेनी है, इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डालने हैं आधा कप, या जितनी जरूरत हो उतना ही डाल लें। कॉर्न स्टार्च डालेंगे आधा कप, मैदा डालेंगे आधा कप, आटा भी डाल सकते हैं अगर मैदा ना हो तो, नमक डालेंगे आधा टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून या थोड़ी सी ज्यादा डाल लें, यह आपकी मर्जी है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही हमने एक वॉक में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इस तरह से चिकन को मिक्स किए हुए मैदे में मिलाकर इनको हमने फ्राई कर लेना है। आग को हमने मीडियम रखना है।
अच्छी तरह से हमने चिकन को गोल्डन कर लेना है। सारी साइडों पर मैदे को हमने अच्छी तरह से लगा देना है। आग को हमने मीडियम रखना है और 7 से 8 मिनट तक आप देख लें, जब तक अच्छी तरह से चिकन ऊपर से गोल्डन हो जाए तब तक चिकन को फ्राई कर लें। अगर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक और भी डालना चाहें तो मैदे के अंदर मिक्स कर लें। पहले आप थोड़ी सी चिकन फ्राई करके देख लें, फिर अगर नमक और मिर्च की ज़रूरत हो तो मैदे में बाद में मिक्स करके फ्राई कर लें। मैदे के अंदर हमने लाल मिर्च 1 चम्मच और डाला है। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी चिकन है, स्पाइसी है, जायकेदार है। 6 से 7 मिनट तक फ्राई करें, नहीं तो अंदर से फिर सख्त हो जाएगी, जूसी नहीं रहेगी। सारी चिकन हमने मैदे में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके रख ली है। अब हमने इसको फ्राई करते जाना है। मैदा अच्छी तरह से चिकन पर लग गया है। तेल गरम करने से पहले सारी चिकन मैदे में डाल लें। हमने आपको दिखाने के लिए एक एक चिकन पर मैदा लगाया था। जितनी भी आप नमक और मिर्च पसंद करें उतनी ही डाल दें। लाल मिर्च डाल लें मैदे में। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, चटपटी, स्पाइसी, क्रिस्पी चिकन हॉट शॉट तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। इस चिकन को आप केचप के साथ भी खा सकते हैं या कोई भी सॉस जो भी आपको पसंद हो वही आप खाइए और मज़ा लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।